क्या मेरा एम्प्लॉयर या जो मेरी कंपनी है वो मेरी हंगेरी की टीआरसी या रेजिडेंस परमिट कार्ड को कैंसिल कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। देखिए, जब आप हंगेरी में काम करने के लिए जाते हैं तो आपको अपनी कंट्री से मिलता है वीज़ा, डी वीज़ा। और ये जो डी वीज़ा आपको मिलता है, ये मिलता है उस कंपनी के बेसिस पे जिसने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपको प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ईगा जोलास दिया है, एकोमोडेशन प्रूफ दिया है। और जब आप हंगेरी में आते हैं, इस डी वीज़ा के बेसिस पे आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड या टीआरसी कार्ड मिल जाता है। अब आम तौर पे इस टीआरसी कार्ड की वैलिडिटी 2 साल होती है, लेकिन ये जो टीआरसी कार्ड है, अगर आप इसके बैक साइड पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी का नाम लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप हंगेरी में आए हैं एक पर्पस से, एक मकसद से। वो मकसद क्या है? वो मकसद है एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करना। तो अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जाएंगे तो भी आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड मतलब चेंज होगा, उसके लिए आपको वापस इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके काम से खुश नहीं है और वो चाहता है आपको टर्मिनेट करना, तो वो आपको टर्मिनेट करेगा और साथ ही वो इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर देगा कि आपके रेजिडेंस परमिट कार्ड को कैंसिल कर दिया जाए। वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जो आपको वीज़ा और टीआरसी मिला है वो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिला है। अब कई बार जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जी पर हमारे कार्ड की तो वैलिडिटी 1 साल और है। देखिए, वैलिडिटी होने का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे ही हो गया कि सपोज़ करिए आपने अपने दोस्त को अपना एटीएम कार्ड दिया। अब एटीएम कार्ड भले ही उसकी जेब में है, लेकिन उस एटीएम कार्ड पे कंट्रोल तो आपका रहेगा ना। आप कभी भी उसे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो उसे यूज़ ना कर पाए। तो इस चीज़ को लेके केयरफुल रहिए और अपने जो एम्प्लॉयर है उससे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखिए। एक और चीज़, अगर आपको बाय चांस लंबी छुट्टी पे जाना है तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मत अप्रूवल लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि ईमेल भेज के जो ऑफिशियल है, जो ऑथराइज्ड है आपको छुट्टी देने के लिए, उसी से अप्रूवल लीजिए। क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने व्हाट्सएप पे अप्रूवल लिया एचआर से और वो हंगरी से बाहर आ गए या इंडिया वापस आ गए और उनके रेजिडेंस परमिट कार्ड को कैंसिल कर दिया गया और उनको जॉब से हटा दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।